नवरात्रि का प्रारंभ 21 सितंबर से हो रहा है। मां दुर्गा की उपासना का विशेष अवसर आपको नवरात्रि में मिलेगा। ज्योतिषी प्रवीण मिश्र के अनुसार यदि आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। आप देखेंगे कि इस नवरात्रि से आपके जीवन में खुशियाँ और बढ़ेंगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं नवरात्रि में आप क्या करें क्या ना करें। नवरात्रि में क्या करें? 1. घर में कलश स्थापन करें, मां दुर्गा का चित्र लगाएं और पूरे मन से मां की पूजा करें। 9 दिन का व्रत रखें। 1. समय भोजन करें। 2. जौ या गेहूं अवश्य बोना चाहिए। रोज पानी दें, जितना अच्छा अनाज अंकुरित होगा उतना ही अच्छा भाग्य उदय होगा। 3. मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। 4. अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। 5. सुबह शाम दोनों समय मां दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। नवरात्रि में और किन बातों का विशेष ख्याल रखें? 1. पूजा के बाद आरती अवश्य करें। 2. मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। 3. 12 साल के कम उम्र की कन्याओं को प्रतिदिन फल पेटा का प्रसाद दें। नवरात्रि में क्या ना करें? 1. दुर्गा का मंत्र जाप करते समय शरीर को हिलाए नहीं, गा कर मंत्र जाप ना करें। 2. मन और विचारों में पवित्रता बनाए रखें। 3. नवरात्रि में अपनी माँ और माँ की उम्र की महिलाओं का अपमान ना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 4. छल कपट प्रपंच और उपशब्दों का प्रयोग ना करें। 5. ब्रह्मचर्य का पालन करें, गलत लोगों की संगति ना करें। लाइक कॉमेंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।